पहली चीज़ एक बात कर देते हैं कि क्या हमारी लाइफ सिक्योर होती है, क्या जो हम फर्जी तरीके से बाय चांस हमने जो 10th दोबारा को या जो ऐसा कुछ भी करके या अपने जो एज में कोई चेंजेस करवा के जो अपने परसेंटेज में कोई फर्जीवाड़ा करके या जो कुछ एरा फेरी करके क्या हम भर्ती हो गए? एक बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद में क्या हम सिक्योर हैं? जी नहीं, एकदम गलत। आप उसके बाद भी जो बाहर निकाल सकते हो या जो उसके बाद भी आप जो हट सकते हो उससे सस्पेंड किया जा सकते हो, ये रियल है। और ऐसे ही कुछ केस अभी आया है जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो अभी केस है जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की है न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी वो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ऐसा कुछ घटना हुई है, मैं उनको आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ था कि जो इन्होंने 2018 की भर्ती हुई थी उनमें जो इन्होंने फॉर्म लगाया और ज्वाइनिंग हो चुकी थी, और उसके बाद में जो 2019 पे इनकी कार्रवाई हुई या जो इनके कुछ फर्जी तरीके से कुछ ऐसे पाए गए होंगे तो उनके ऊपर जो कार्रवाई शुरू हुई और देखा गया क्या है कि जो वापस जाँच हुई, इंक्वायरी बैठी होगी या कुछ ऐसा कुछ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से भर्ती होने की कोशिश की थी, फर्जी मार्कशीटें थी, सब कुछ फर्जी था, तो इनको अभी अरेस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। तो वही चीज़ मैं दोस्त कहना चाहूँगा कि आपको 2019 में इनको जो हटा दिया गया, तो आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये क्या ज्वाइनिंग के बाद भी हम सिक्योर हैं? यदि हम बाय चांस भर्ती हो जाते हैं या जो अपने दोस्त या रिलेशन वाले ऐसे हज़ारों बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता, लेकिन जो एक्चुअल में यही होता है, भर्ती हो भी गए तो आप बाद में निकल जाओ, पर एक तो फिक्स है कि आप सस्पेंड जरूर हो जाओगे या जो आपको वो जितनी सैलरी उठाई उसका डबल ही वापस रिकवर कर जाएगी। अभी जो इन्होंने मैंने जो सैलरी हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी कहो, इन्होंने जो सैलरी वगैरह से जो भी उठाई होगी उनको रिकवरी की है, और जो 2 लाख तक इनको रिकवरी करने की जो बैठाया है ऐसा कुछ मामला आया है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्त कि आप फर्जी तरीके से कभी भर्ती होने की कोशिश मत करो, ये जो बहुत आपके फैमिली के ऊपर या जो अपने ऊपर बहुत एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें मत यूज़ करा करो। आप यदि आपको जो सही में जो भर्ती होना है और एक देश सेवा करना है, या जो अपने इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, जो आर्मी या एयरफोर्स नेवी किसी भी जो सेक्टर में आपको भर्ती होना है, तो आप एज कम करवा के या जो एरा फेरी करके कभी भर्ती नहीं हो सकते। देश सेवा ये ज़रूरी होती है कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। बाय चांस आपकी जो एज निकल गई या जो उम्र कम हो गई या जो आपके परसेंटेज नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, देश सेवा आप फिर भी कर सकते हो। अब इस वतन के लिए जो यदि आप कुछ भी ज़रूरत है तो आप यार ये मैं किसी भी जो बुज़ुर्ग आदमी की आपने सेवा की तो वो एक देश सेवा ही होगी, समझ गए ना? तो देश सेवा हर आदमी कर रहा है, और जो आप ऐसे नहीं कि जो जो फौजी बॉर्डर पे लग रहा है वही देश सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि ये जो आप आर्मी सेक्टर से छोड़ के दूसरे जो और भी सेक्टर हैं उनमें भी आप करो तब भी आप देश सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये अपनी सोच को बदलो और ऐसे फर्जी तरीके से कभी भर्ती होने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपकी फैमिली के ऊपर भी हो सकता है ऐसा कुछ गलत एक्शन, और आपकी फैमिली यार बहुत ज़्यादा एक खड्डे में गिर जाएगी कहीं कहीं। ये चीज़ इन चीज़ों को बचा के रखो, ऐसी चीज़ें अवेयर करो, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखो और अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखो। लोग तो कहते रहेंगे, आज कहेंगे और परसों कहते रहेंगे, और जब आपको इस टाइम में फंस जाओगे तब आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवेयर करो, ऐसी चीज़ों को जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। फर्जी तरीके से कोई भी बंदा भर्ती नहीं हो सकता, कोई भी जॉब नहीं ले सकता, ये आपकी गलत सोच है। आई होप कि छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए, इस बंदे वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना उसके अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो बहुत सारे बंदे मुझे इस बारे में कॉल करते रहते हैं कि हम 10th दोबारा करके अपना एरा फरी करके या जो कोई भी चांसेस करवा के या जो अपना फर्जी तरीके का मार्कशीट बनाकर भर्ती हो जाएंगे। बिल्कुल ये करेक्ट है, जी नहीं, एकदम 100% आपको कह रहा हूँ, आप बाई चांस हो भी गए, उनकी वहाँ नज़र से निकल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वापस कभी इंक्वायरी बैठ गई ना तो आप वापस सस्पेंड हो जाओगे। इसीलिए जो अपने आप को इस चीज़ के लिए जो स्वीकार कर रहा हूँ और इस चीज़ों को बताने के लिए जो आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, उसके बाद में और भी जो कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार होगा और जेल होगा, ऐसा कुछ आपके ऊपर एक्शन होंगे वो बाद की बातें हैं, लेकिन ऐसे गलत डायरेक्शन में मत जाओ, इतना ही मैं आपको कहूँगा। बस ये वीडियो अपने भाई के साथ शेयर कर देना, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम।